हेलो फैन, वेलकम बैक। इंडियन मार्केट में अगले कुछ महीनों में कई सारे गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें से दो इलेक्ट्रिक गाड़ी, तीन बिल्कुल नई गाड़ी इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे पांच कार्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, जिसे इस साल 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं MG ZS EV की। तो MG हेक्टर के कामयाबी और अच्छे रिस्पांस के बाद इंडियन मार्केट में MG मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV को लॉन्च करेगी, जिसकी प्री बुकिंग कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। इस कार को दो वेरिएंट्स एक्सक्लूसिव और एक्साइट में लॉन्च किया जाएगा, और ये तीन कलर ऑप्शन फेरिस व्हाइट, ब्लू और रेड ऑप्शन में मिलेगा। ZS EV में 44.5 किलोवाट का लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये कार सिंगल चार्ज में 340 यानी कि 340 किलोमीटर तक का रेंज देगी, और ये कार 0-100 KMPH तक रफ्तार पकड़ने में मात्र 8.5 सेकंड का वक्त लेगी। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सनरूफ, 3D साउंड इफेक्ट, 6 एयरबैग्स, 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 3-point सीट बेल्ट, ऑटो हेडलैम्प्स, LED DRLs, 3 ड्राइविंग मोड्स जिसमें इको, स्पोर्ट और नॉर्मल शामिल है। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पुश बटन स्टार्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक कार को यूरोपियन स्टैंडर्ड से सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार का दर्जा भी दिया गया है, और इसे यूरो NCAP से 5 स्टार भी मिला है। कंपनी का कहना है कि DC सुपर फास्ट चार्जर की मदद से ये 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है, तो वहीं AC फास्ट चार्जर से 6-8 आवर्स में 80% तक चार्ज हो जाएगी। तो वहीं पोर्टेबल चार्जर 50 एम्पियर सॉकेट की मदद से 16-18 आवर्स में 80% तक चार्ज हो जाएगी। फिलहाल कंपनी ने इसके प्राइस के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसका प्राइस 12.18 लाख रुपीस से लेकर 16.88 लाख रुपीस के बीच हो सकती है। इसका एग्जैक्ट प्राइस इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। दूसरे नंबर बात करते हैं हुंडई ऑरा की। हुंडई ने हाल ही में अपने सब कॉम्पैक्ट सेडान कार ऑरा को पेश किया है, जिसको जनवरी 2020 में लॉन्च किया जाएगा। इंडियन मार्केट में ऑरा का सीधा मुकाबला मारुति डिजायर से होगा। हुंडई ऑरा को कंपनी डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स में लॉन्च करेगी। ऑरा को BS6 इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो कंपनी इसे 5.8 लाख रुपीस से लेकर 8.5 लाख रुपीस के बीच में रख सकती है। अगर आप हुंडई ऑरा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने हुंडई ऑरा के ऊपर डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, इसलिए इस वीडियो में आपको मैं उसकी डिटेल जानकारी नहीं दे रहा हूँ। थर्ड नंबर बात करते हैं किया कार्निवाल की। किया मोटर्स इंडियन मार्केट में अपनी दूसरी वाहन को पेश करेगी। SUV सेगमेंट में किया सेल्टॉस की सफलता के बाद किया मोटर्स किया कार्निवाल के साथ MPV सेगमेंट में एंट्री करेगी, जिसे कंपनी 2020 ऑटो एक्सपो में पेश कर सकती है। कुछ टाइम पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया है, और कंपनी ने ऑफिशियली किया कार्निवाल का टीजर वीडियो भी दिखाया था, जिसमें किया कार्निवाल की कुछ इंटीरियर पार्ट को देखा गया था। इंडियन मार्केट में किया कार्निवाल MPV का मुकाबला टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से हो सकता है। कार्निवाल लंबाई में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से लंबी होगी। कार्निवाल की डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 5155 mm है, विथ 1985 mm है, और हाइट 1740 mm है, जबकि इसका व्हील बेस 3060 mm है। क्रिस्टा के मुकाबले 380 mm लंबी, 155 mm चौड़ी, लेकिन हाइट में 40 mm छोटी है। इंटरनेशनल मार्केट में जहां कार्निवाल 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर और 11 सीटर ऑप्शन में आती है, वहीं इंडिया में लॉन्च होने वाली कार्निवाल 6, 7, 8 और 11 सीटर वाली हो सकती है। कार्निवाल में स्लाइडिंग डोर्स और टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक डोर मिल सकते हैं। सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स व्यू कैमरा, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक जैसे फीचर मिल सकते हैं। कार्निवाल में इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है। कार्निवाल में 2.2 EVGT डीजल इंजन मिलेगा, जो 3800 RPM पर
199 bhp का पावर और 1750 से 2750 rpm पे 441 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। कार्निवाल में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया जा सकता है जो मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ सकती है। किया कार्निवाल MPV की प्राइस 25 लाख रुपीस के आसपास हो सकती है, वहीं इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस अप्रॉक्स 30 लाख रुपीस तक हो सकती है। फोर्थ नंबर बात करते हैं टाटा एल्ट्रॉस की। टाटा अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रॉस को 22 जनवरी 2020 को लॉन्च करेगी। टाटा ने इस कार की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है और लॉन्चिंग के बाद इसकी डिलीवरी भी शुरू कर देगी। खास बात यह है कि इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई इलाइट i20 में भी नहीं मिलते हैं। टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह ही अल्ट्रोस हैचबैक में भी ड्राइव मोड का फीचर दिया जाएगा। टाटा नेक्सॉन और हैरियर में भी ये फीचर मिलता है। अल्ट्रोस में दो ड्राइव मोड सिटी और इको मिलेंगे। सिटी मोड में इंजन पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकेगी जबकि इको मोड में कार ज्यादा माइलेज देगी। कंपनी एल्ट्रॉस को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ लॉन्च करेगी। इसमें 1.2 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 86 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा इसमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज BS6 डीजल इंजन दिया जाएगा जो 90 PS का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इको मोड में पावर और टॉर्क 10% तक कम हो जाएगी। किसी भी बाकी गाड़ी में ये फीचर नहीं मिलता है। इसमें 5 स्पीड तक फॉरवर्ड गियर और 1 स्पीड तक रिवर्स गियर मिलेगा। आपको बता दें एल्ट्रॉस के दरवाजे 90 डिग्री तक खुल सकते हैं। इसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी तो टाटा ने अपने नए एल्ट्रॉस में ये फीचर दे रही है। 90 डिग्री खुलने वाले दरवाजे का फायदा ये होता है कि बच्चे और बड़ों को बैठने और बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होती है। ये दरवाजे टाटा के नए प्लेटफॉर्म का ही हिस्सा है। उम्मीद है कि बाकी अल्फा प्लेटफॉर्म में भी ये फीचर मिलेगा। टाटा हैरियर की तरह टाटा एल्ट्रॉस में भी डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। 7 इंच की ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ जोड़ी गई है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ कई जरूरी जानकारी भी इसी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। अल्ट्रोस में रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर मिलेगा। इस सिस्टम का ये फायदा होगा कि ड्राइव के दौरान पूरा फोकस सड़क पर ही होगा। बारिश के दौरान ये वाइपर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी और इसकी स्पीड भी बारिश के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। वह इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प सिस्टम भी मिलेगा जो सनलाइट के कम होने पर अपने आप ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें वियरेबल की यानी हाथ में पहनने वाली चाबी भी दी जाएगी जिसके बाद आम चाबी की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके प्राइस की बात करें तो कंपनी इसकी प्राइस 5.50 लाख रुपीस से लेकर 8.50 लाख रुपीस के बीच रख सकती है। पांचवें नंबर बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की। तो कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार से कुछ दिन पहले ही पर्दा उठाया था और कंपनी इसे जनवरी 2020 में लॉन्च भी कर सकती है। ये कार सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक की रेंज देगी। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में 30.2 किलोवाट का एडवांस लिथियम पॉलीमर लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है और 3-फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दिया गया है जो 129 PS का पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इसके बैटरी पैक को खासतौर पर इंडियन रोड और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर टेस्ट किया है। इसके बैटरी पैक को IP67 सर्टिफिकेशन भी मिली है जिस पर पानी या फिर धूल का कोई भी असर नहीं होगा। टाटा की ये SUV मात्र 4.6 सेकंड में 0-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है तो वहीं ये 0-100 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने में मात्र 9.9 सेकंड का समय लेती है। इस कार में दो ड्राइविंग मोड्स ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्पोर्ट मोड में 6% ज्यादा टॉर्क मिलेगा। टाटा ने अपने इस इलेक्ट्रिक कार में जिप्रॉन ईवी टेक्नोलॉजी दी है ताकि लोगों को ड्राइविंग के दौरान परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल का एहसास हो। जिप्रॉन टेक्नोलॉजी को एल्ट्रॉस ईवी और टैगोर ईवी में भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कार की बैटरी को 10 लाख किमी से भी ज्यादा टेस्ट किया है और इस पर कंपनी 8 इयर्स या 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी दे रही है। नेक्सॉन ईवी को 50 एम्पियर के पावर आउटलेट से भी चार्ज किया जा सकता है। फास्ट चार्जर की मदद से 0-80% 60 मिनट में चार्ज हो जाएगी तो वहीं स्टैंडर्ड चार्जर की मदद से 20-100% चार्ज होने में 8 आवर्स का टाइम लगेगा। टाटा नेक्सॉन ईवी आपको 3 कलर ऑप्शन सिग्नेचर टेल ब्लू ग्लेशियर व्हाइट और मून लिट सिल्वर में मिलेगा और इसमें 3 वेरिएंट्स XM ZX प्लस और ZX प्लस लक्स ऑफर किया गया है। टाटा नेक्सॉन ईवी के कंफर्ट और फीचर की बात करें तो इसमें सनरूफ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डुअल एयरबैग्स
आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ABS के साथ EVD और कैमरा बेस्ड रिवर्स पार्क असिस्ट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलेंगे। साथ ही इसमें रिमोट कनेक्टिविटी का फीचर भी होगा। कंपनी ने इसके प्राइस के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसका एक्स शोरूम प्राइस 15 लाख रुपीज से 17 लाख रुपीज के बीच में होगी। टाटा नेक्सॉन ईवी की बुकिंग शुरू कर दी गई है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो टाटा नेक्सॉन ईवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपीज देकर बुक कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 गाड़ियां जो अगले कुछ दिनों में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इन 5ों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे 2020 में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं और बहुत सी गाड़ी अनवील भी होने वाली है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को क्लिक करना होगा, ताकि कोई भी अपडेट इस चैनल का आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।